Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। नई चीज नहीं है, बीजेपी की पुरानी ये तरीका है। अगर आप पुराना उठा करके इतिहास उठाओगे, आप बीजेपी अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक कराते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो, आप पेपर लीक जानबूझ कर करा रहे हो। प्रेस्टिजियस परीक्षा है, डॉक्टर है, किसी की जान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। मैं सबसे पहले देश की जनता का धन्यवाद दूंगा। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। अच्छे दिन का इंतजार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। आप लोग आज संविधान के पट्टे को लेकर जो है बीजेपी पूरे कार्यक्रम कर रही मैं लोगों को याद दिलाने जो अच्छा है उसकी तरफ काम करेंगे, जो अच्छा है उस रास्ते पे चलेंगे। अखिलेश जी, एलओपी की जो पोस्ट है उसके लिए कुछ बातचीत हुई है? वो बातचीत होगी लेकिन आपसे बातचीत नहीं होगी उस पर। अखिलेश जी, इस पर जल्दी ही निर्णय होगा वो भी, क्योंकि हर फैसला समय पर होगा और फैसला होगा तो आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। जो फैसला बातचीत होगी वो आपकी जानकारी में आ जाएगा। नीट को लेकर के भी आप लोग, देखिए नीट ये कोई नई चीज नहीं है, बीजेपी की पुरानी ये तरीका है। अगर आप पुराना उठा करके इतिहास उठाओगे, आप बीजेपी अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक कराते हैं। अखिलेश जी, और यूपी में ये बड़ा मुद्दा था और अब देखिए दिल्ली तक पहुंच गया ये बात, तो ये कितने करोड़ों परिवार के साथ धोखा किया इन्होंने। देखिए पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है, आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप सोचिए, जहां आप इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहां पेपर लीक हो रहा हो, आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। ये कह रहे हैं कि नीट का जो हुआ है ये लोकलाइज मामला है, जो कोई लोकलाइज नहीं होता है। आप इसलिए मैंने आपसे कहा, मेडिकल और इस तरह की परीक्षाओं का पुराना इतिहास उठा करके देखिए, बीजेपी की सरकारों में कई बार पेपर लीक हुए हैं। तो आप लोग का क्या मांगे, दोबारा एग्जाम हो? दोबारा एग्जाम जो बच्चे चाहते हैं, जो जितने भी नीट, क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस परीक्षा है, डॉक्टर है, किसी की जान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, तो जो बच्चों की मांग है कि हो या नहीं हो, बच्चों की मांग होना चाहिए।